बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर। देखिए बेटा क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मापना, ठीक है, वोल्टेज माप। लेकिन बेटा हमें किसी सेल का ईएमएफ मापना, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, उसमें कुछ एरर आ जाती है बेटा यदि हम वोल्ट मीटर मापते हैं बेटा। तो यहां जो है पोटेंशियोमीटर का काम है बेटा क्या मापना, क्या टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल विद एक्यूरेसी, किसके साथ बेटा, एक्यूरेसी के साथ। तो क्या करते हैं बेटा, हाँ ये दैट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मापते हैं बेटा, पोटेंशियल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियोमीटर, क्या बेटा, पोटेंशियोमीटर। कारण क्या बेटा, पोटेंशियो मीन पोटेंशियल मापना, ठीक है, वोल्टेज मापना बेटा। तो ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है बेटा, क्या लिखेंगे, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच यूज, ये रहा बेटा दैट इज द पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर है। इसमें वही काम है, लकड़ी का बोर्ड है, इसके ऊपर वायर है, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, एक एक मीटर की कितनी है, चार वायर पैरेलल में है, तो सीरीज में कनेक्ट कर रखिए बेटा, तो कितनी है 400, कितना बेटा 400 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या करना बेटा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये कहता है, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्या है, ए डिवाइस जिसका यूज किसके लिए होता है बेटा, ए डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ ए सेल विद एक्यूरेसी, ए डिवाइस विच यूज टू मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, लेकिन किसके साथ बेटा, विद एक्यूरेसी, ये मेन है बेटा, विद एक्यूरेसी, ठीक है बेटा, एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करना होता है बेटा। तो ए डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल विद एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ जो है बेटा क्या करेंगे, ये होता क्या बेटा, उसी तरह बिल्कुल सेम, देखिए क्या करना है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ बेटा, करना क्या है, इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम जिन्हें बना लिया ना, डायग्राम देख देख का थ्योरी अपने आप लिख देगा, वायर कहीं की होगी, कॉन्स्टेंट या मैग्नेट, क्यों होती है बेटा, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, फिक्स रेजिस्टेंस होता है, उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिया कि वायर लेनी है बेटा, वही चार 4 मीटर, लेकिन 400 सेंटीमीटर है ना, तो जैसे पहले लिया बेटा, देखो क्या करना बेटा, सुनो ध्यान से, ऐसे कर लीजिए आसान तरीके, या वायर होगी बेटा कैसी है, 100 सेंटीमीटर, बाद में देखें बी पॉइंट, बाद में देखें बेटा, ये कॉपर स्ट्रिप, क्या बेटा ये कॉपर स्ट्रिप, यहाँ वायर, ठीक है बेटा, फिर यहां कॉपर स्ट्रिप बेटा, फिर यहां कॉपर स्ट्रिप बेटा, ठीक है बेटा, देखिए 100, 200, 300 एंड दैट इज ऑफ 400, क्या जी बेटा ये 400 होगी बेटा, 400 वायर ए एंड बी वायर होगी, किसके साथ कनेक्ट कर दी, कॉपर स्ट्रिप्स के साथ, कितनी दिखाई दे रही है, तीन, तो बेटा इसमें डायग्राम में इसमें देखियो कितनी है, एक दो तीन, कितनी होगी कॉपर स्ट्रिप, तीन, और किसके ऊपर है, वुडन बोर्ड के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, वुडन बोर्ड के ऊपर, और यहां इनके पैरेलल में यहां क्या लगा हुआ है, स्केल, कैसा स्केल है बेटा, मीटर स्केल, लकड़ी के बोर्ड पे बेटा ये मीटर स्केल, कितना बेटा ये, ऑफ 100, क्लियर है बेटा, मीटर स्केल लगा दिया। ओके, अब क्या करना, सुनो ध्यान से बेटा, आपने इस ए पॉइंट को कनेक्ट करना बैटरी के प्लस से, ए को किसके साथ कनेक्ट करना बेटा, बैटरी के प्लस से,
लो बेटा बैटरी के प्लस तक कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। ये बैटरी है, बी फॉर बैटरी, बैटरी के प्लस से ए को कनेक्ट कर दिया और माइनस से बी को कनेक्ट, और उसके साथ क्या लगा दिया, एमीटर। क्या लगाया बेटा यहाँ, एमीटर। आप सभी को पता है बेटा एमीटर जो होता है बेटा किसमें होता है, सीरीज में, क्या होता है बेटा, सीरीज में लगता है, दैट इज एमीटर। तो करंट क्या होता है बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज द पॉजिटिव दैट इज द नेगेटिव, सीरीज में, ठीक है बेटा। तो ये लगा दिया हमने एमीटर, लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए। साथ में क्या लग रहा है बेटा, एक रियोस्टेट, क्या बेटा एक रियोस्टेट, देखिए बेटा रियोस्टेट एंड दैट रिप्रेजेंट बाय आरएच, किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, आरएच, रियोस्टेट ये रहा बेटा, दैट इज द रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। इसमें क्या बेटा वायरिंग, ये वायरिंग है यहां, अरे ये स्लाइड हो रहा है, जहां भी आप कर दोगे ना फिक्स तो वायर क्यों होगी, लेंथ होगी फिक्स, लेंथ फिक्स होगी तो रेजिस्टेंस भी क्यों जगह फिक्स, समझ गए बेटा। तो इसका मतलब करंट को क्या करने के लिए, कांस्टेंट, करंट को क्या करने के लिए, कांस्टेंट, क्योंकि बेटा आपने लेंथ फिक्स कर दी तो करंट भी क्यों जगह कांस्टेंट, क्योंकि लेंथ फिक्स होगी, एरिया फिक्स है तो रेजिस्टेंस भी क्यों जगह फिक्स, पढ़ रखा ना बेटा आपने, ये पढ़ रखा है आर बराबर है रो इंटू एल बाय ए। मैंने लेंथ बढ़ा ली, कितनी भी बढ़ाऊं तो इस लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, समझ गए। वो क्या कर दिया बेटा फिक्स, जब वो फिक्स हो गया तो करंट भी क्यों जगह फिक्स, क्यों जगह बेटा फिक्स करंट। तो कांस्टेंट करंट जो है बेटा उसके लिए हमने क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया। अब रियोस्टेट का कनेक्शन बेटा देखिए, यहां आपने क्या करना है, इस रियोस्टेट का कनेक्शन है यहां, एंड दैट इज द की, क्या लगा दिए, की लगा दिए बेटा, और इस की का कनेक्शन है बेटा, ओके बेटा ये डायग्राम। अब यहां देखिए बेटा, एक पॉइंट के साथ जो आपने किसके साथ कनेक्ट करा था, बैटरी के प्लस के साथ, तो यहाँ क्या लगाना आपने, एक वोल्ट मीटर, क्या लगाना बेटा है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो यहाँ आपने तो देखो बेटा ये कौन सा सिरा है, प्लस है ना, तो इसका क्या लगेगा यहाँ, प्लस, क्योंकि वोल्ट मीटर में ऐसा किसमें लगता है, पैरल में, किसमें लगता है बेटा, पैरल में, और एमीटर किसमें लगता है, सीरीज में, तो वोल्ट मीटर पैरल में है, तो बेटा आपने यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाना है, ये भी ये प्लस है, ये माइनस है, और इसका किसके साथ कनेक्ट करना बेटा, जोकी के साथ, किसके साथ कनेक्शन, तो जोकी को क्या करना हमने, स्लाइड, क्या करना बेटा, स्लाइड, ये जोकी है बेटा, इस वायर के ऊपर स्लाइड, यहां आता लेकर यहां से ऐसे, क्लियर, ऐसे चलेंगे यहां से, ऐसे चलते जाओगे वोल्टेज ड्रॉप होती चल जाएगी। देखिए बेटा इसका मेन पोटेंशियोमीटर क्या था, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ ए सेल विद एक्यूरेसी, ठीक है। ये डायग्राम हो गया बेटा, डायग्राम आपके समझ में आ गया, आपने पता लग गया क्या क्या चीज है इसमें, क्या होती है इसमें, कॉन्स्टेंट या मैग्नीन की वायर होती है, दैट विल बी स्ट्रेच ऑन द वुडन बोर्ड, ओके, और 400 सेंटीमीटर की वायर है विद इन द हेल्प ऑफ द 3 कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। नाउ ए टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड बी कनेक्ट टू द नेगेटिव थ्रू, किसके थ्रू, की रेजिस्टेंस, क्या, रियोस्टेट, एमीटर के साथ, ओके। नाउ ए टर्मिनल कनेक्ट टू द वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर अनदर क्या बेटा इसका एंड ऑफ द वोल्टमीटर कनेक्ट टू द जोकी, ठीक है, विच शुड बी स्लाइडिंग ऑन द वायर। अब सुनो बेटा क्या है, ये कहता है कि इसका जो मेन, क्या बेटा इसका मेन है प्रिंसिपल, क्या मेन है बेटा इसका प्रिंसिपल, किसका है, पोटेंशियोमीटर का बेटा, इसका प्रिंसिपल सबसे मेन है बेटा, इसका प्रिंसिपल सबसे मेन है। व्हाट इज प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है इसका, सुनो ध्यान से, सिंपल याद रखना ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कहता है फॉलो पोटेंशियल, जो पोटेंशियल फॉल करेगा तो बेटा पोटेंशियल तो क्या होता है, V बराबर IR, क्या होता है बेटा, I इंटू R, तो इसका मतलब क्या होया कि यहां तक जहां तक आप जाओगे तो लेंथ क्या होगी, वहां तक बढ़ जाएगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब कहता है उतनी क्या बढ़ जाएगी, वोल्टेज, कहता है हम ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, मैं इसको बताता हूँ आपको एग्जाम्पल से। मान लो बेटा ये वायर है, ये वायर है, मान लीजिए यह वायर 10 फुट की है और 100 वोल्ट की बैटरी लग रही है, कितनी है, 100 वोल्ट, तो बेटा मैं कहता हूं कि एक भाई 10 फुट की है,
100 वोल्ट की बैटरी है, एक फुट पे 10 वोल्ट कितना पड़ेगा, जब मैं चौकी ना ले आऊंगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखाऊंगा 10 वोल्ट होगी भाई, आगे दिखाऊंगा 10 फुट पे कितनी होगी 20। तो इसका मतलब क्या है, वी क्या आएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अक्रॉस विच पोटेंशियल, भाई जहां तक फॉल करेगा वही तो लेवेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा इसकी स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, क्या लिखेंगे बेटा द फॉल ऑफ पोटेंशियल, द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस, यस अक्रॉस एनी यस पोर्शन ऑफ वायर, अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर भाई किसी भी पोर्शन, मान लीजिए यह वायर है इसके यहां तक निकालना चाहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी पोर्शन की लेंथ के, पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन उस पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, क्या करना है प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करके कि भाई उसका यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन होना चाहिए एंड कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो करना चाहिए। कांस्टेंट करंट के लिए क्या लगा दिया आपने, रियोस्टेट लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा रियोस्टेट लगा दिया। तो कहते हो प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग द प्रोवाइडिंग द वायर ऑफ प्रोवाइडिंग द वायर ऑफ यस यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कॉन्स्टेंट करंट फ्लो थ्रो वायर, कॉन्स्टेंट फ्लो थ्रो थ्रो दी वायर, और कॉन्स्टेंट करंट किसकी से जाएगा रियोस्टेट के से। बात समझ में आई भाई, जो वोल्ट मीटर मापेगा ना जहां लग मापेगा उस लेंथ के डायरेक्टली, अगर जाओगे जो किन लगाएगा वहां लग के लेंथ के डायरेक्टली। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे भाई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा एल आएगा। आप डायग्राम में से कंस्ट्रक्शन तो लिख दोगे, डायग्राम बना के बेटा कंस्ट्रक्शन तो लिख दोगे, कर दोगे ना कंस्ट्रक्शन, तो आप आराम से लिख दोगे कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है बेटा, अब आपने जो इसमें अपने मैथमेटिकल करना है हमें प्रूफ करना, प्रूफ के लिए क्या लगेगा बेटा, जो पोटेंशियल देखो आपने क्या कॉन्स्टेंट कर दिया करंट भाई, प्रूफ के लिए बेटा प्रूफ के लिए आपने क्या किया है, वी हैव ए कॉन्स्टेंट करंट, वी हैव ए कॉन्स्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बेटा, तो पोटेंशियल बराबर क्या हुआ आई आर, हो गया आई डू कानू आर की वैल्यू क्या होती है रो इंटू एल बाय ए, हो गया बेटा यू भी कॉन्स्टेंट आर, यू भी कॉन्स्टेंट आर, यू भी कॉन्स्टेंट का सारा क्या आया कॉन्स्टेंट, तो क्या आया के इंटू एल, तो वी बराबर क्या आया के इंटू एल, वॉट इज के, के क्या है बेटा के है आई रो बाय ए, ये क्या बेटा कॉन्स्टेंट है, क्या मेरा बेटा ये कॉन्स्टेंट, एंड इसका नाम क्या है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। लेकिन बेटा इसका नाम एक और बनेगा, देखो के बराबर है वी बटे एल, और किसी के नीचे लेंथ और डिस्टेंस हो मैंने बता रखा ग्रेडियंट, तो क्या बन गया ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या बनेगा बेटा ये दैट आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बेटा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्लियर होगी बात, कॉन्स्टेंट है लेकिन क्या बेटा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी जब के ना टाओगे तो क्या होगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया प्रूफ, और क्या प्रूफ भाई फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्लियर है बेटा कर लोगे ना। तो जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बेटा ये कहता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बेटा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, देखिए ये लिख रखा है ऑन विच द फैक्टर द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड, भाई बेटा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी कराया मैंने के बराबर है आई रो बाय ए, करंट के ऊपर
दूसरा रो के ऊपर, तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ रो। ठीक है बेटा। और एक बात याद रखना, जिसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम है वो मोर सेंसिटिव है। के की वैल्यू स्मॉल है जिसके लिए, स्मॉल फॉर ए मेटीरियल दैट क्या होगा, दैट विल बी मोस्ट सेंसिटिव। होगा बेटा मोस्ट सेंसिटिव, क्या होगा बेटा मोस्ट सेंसिटिव। याद रखना है के की वैल्यू जिसके लिए कम है तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव। क्लियर है भाई, कर लोगे हो जाएगा ना। ये था बेटा आपका पोटेंशियोमीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बहुत ज्यादा।